वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेकरी उद्योग के बारे में जानेंगे। फूड प्रोसेसिंग में बेकरी एक बहुत ही फायदे का बिजनेस है, क्योंकि यह एक कंज्यूमेबल आइटम है, इसकी खपत बाजार में बहुत ज़्यादा है। आज के डेट में हर घर में कुछ न कुछ बेकरी का प्रोडक्ट जाता है, इसीलिए बेकरी उद्योग बहुत ही बढ़िया व्यवसाय माना जाता है। अब जिनको बेकरी का व्यवसाय करना है, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि इसमें कौन कौन सी मशीनें लगेगी, जानकारी नहीं होता है। इसीलिए आज हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि कौन कौन से मशीन की जरूरत लगेगी। बेकरी व्यवसाय में ज़्यादातर रस्क और ब्रेड बनाए जाते हैं। रस्क को टोस्ट भी कहा जाता है, पापे कहा जाता है। इसमें बेसिकली प्रयोग होने वाले जो मशीन होते हैं वो तीन या चार तरह के होते हैं। रस्क ऑब्लिक ब्रेड, रस्क एंड ब्रेड बनाने के लिए कौन कौन सी मशीन की जरूरत है। तीन मशीन जो इसमें बेसिकली लगता है, वो पहला होता है स्पाइरल मिक्सर मैदा गूंथने के लिए। हम लोग साथ साथ में इसको लिखते भी चलते हैं। पहला है स्पाइरल मिक्सर, दूसरा रोटरी रैक ओवन, तीसरा ब्रेड स्लाइसर जिसको स्लो स्पीड स्लाइसर भी कहते हैं, अब पहले हम लोग जानेंगे कि इनका क्या उपयोग है। मैदा गूंथने के लिए या मैदा के साथ में जो इंग्रेडिएंट मिलाते हैं रस्क और ब्रेड बनाने के लिए, चीनी, पानी, सूजी, ईस्ट, ये सब मिक्सिंग होने के बाद एक हमारा फाइनल डो बन जाता है। तो यह काम स्पाइरल मिक्सर में होता है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारा बेकिंग का होता है, तो रोटरी रैक ओवन के द्वारा बेकिंग की प्रक्रिया की जाती है। तीसरा मशीन स्लो स्पीड स्लाइसर, उसको कटिंग करने के लिए जितना एमएम थिकनेस का ब्रेड या रस्क बनाना है उसके हिसाब से स्लाइसर लिया जाता है। ये बेसिकली तीन मशीन की जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद जो आती है ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन, अगर अपना रस्क या कुकीज पैकेट में लेमिनेटेड पाउच में पैकिंग करना है तो उसके लिए ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की भी जरूरत पड़ती है। ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन, फॉर रस्क कुकीज बन स्लाइस्ड ब्रेड के लिए कोई पैकिंग मशीन ऑटोमेटिक नहीं होता है, वो मैनुअली पैकिंग होता है। तो ये तो हो गई जनरल बातें कि कौन कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी। अब ये कितने कैपेसिटी की मशीन चाहिए यह डिपेंड करता है कि हमको प्रोडक्ट कितना बनाना है। मान लीजिए कि हमको दिन भर में 150 केजी माल बनाना है,
किसी को 400 केजी माल बनाना है, किसी को 1000 केजी बनाना है, तो सबके लिए अलग अलग प्रोडक्शन की मशीनें बनती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एक हमारा प्लांट बनता है 125 केजी पर 10 आवर प्रोडक्शन के लिए, रस ब्रेड के लिए। इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? जैसा मैंने ऊपर बताया था कि पहला मशीन स्पाइरल मिक्सर लगेगा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, 20 केजी ड्राई यानी 20 केजी सूखी मैदा, और सारे ग्रेडियंट के बाद ये माल बन के रेडी हो जाता है 35 केजी, यानी 35 केजी डो तैयार होता है। तो एक ये मशीन हो गया। दूसरा रोटरी रैक ओवन, एक 125 केजी पर 10 आवर प्रोडक्शन के लिए जो रोटरी रैक ओवन लगेगा वो अलग है, 24 ट्रे का, इससे बाहर लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ 4 ट्रॉली हम लोग साथ में देते हैं। दो मशीन हो गया। तीसरा स्लो स्पीड स्लाइसर, जो भी अपना थिकनेस रखेंगे उसके हिसाब से स्लाइसर लगेगा। तीन मशीनें हो गया। अभी इतनी छोटी प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन बहुत कम लगता है, मैनुअल पैकिंग हो जाता है। इसके साथ जो एसेसरीज लगेंगे, जैसे रस्क बनाना है तो रस्क के लिए लगेगा रस्क ट्रे, जितने ट्रे का ओवन है उसको 3 गुना ट्रे, यानी 24 ट्रे का है तो 24 ट्रे 72 पीस ट्रे लगेगा। रस्क मोल्ड, चालीस पीस। इसका ढक्कन मोल्ड लीड यह भी 40 पीस। बस रस्क बनाने के लिए ये एसेसरीज, मशीन वही रहेगा 3, एसेसरीज हमारे रस्क के लिए रस्क ट्रे, रस्क मोल्ड और मोल्ड लीड। इसके बाद अगर हमें ब्रेड भी बनाना है साथ में तो ब्रेड मोल्ड, चालीस पीस और मोल्ड लीड, 40 पीस। बस इतने से हमारा 125 केजी पर 10 आवर प्रोडक्शन का प्लान सेटअप हो जाए। अगर इससे बड़ा काम करना है, कभी कभी ये लगता है कि ये बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हमको जाना चाहिए, तो जैसे ही हम इससे बड़े में जाएंगे तो 250 केजी, 250 केजी पर 10 आवर प्रोडक्शन का प्लांट लगता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा मशीन लगेगा? मशीन तो वही रहेगी, लेकिन जैसे इसका कैपेसिटी बढ़ गया तो हमारे मशीन की भी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें जो लगेगा मैदा कूटने के लिए स्पाइरल मिक्सर, 30 केजी ड्राई, ड्राई फ्लोर सूखी मैदा, और माल कितना रेडी होगा, 50 केजी डो, एक मशीन ये हो गया। एक छोटा वाला में कितना था, 20 केजी ड्राई फ्लोर, और उसमें माल कितना रेडी होता था, 35 केजी, तो उसके लिए 24 ट्रे था। अब ये चूंकि बढ़ गया तो
तो हमारा मिक्सर का साइज भी बढ़ गया। दूसरा रोटरी रैक ओवन, ये हो जाएगा 42 ट्रे का। इसके साथ हम लोग क्या देंगे, 4 ट्रॉली साथ में देंगे। तीसरा मशीन स्लो स्पीड स्लाइसर, ये स्लाइसर 125 केजी पर 10 आवर प्रोडक्शन में भी वही था, इसमें भी वही है। ये सबसे छोटा स्लाइसर होता है, ये थिकनेस के हिसाब से बनते हैं, 13 mm, 10 mm, 15 mm, जिसका जो साइज निकालना होता है उसके हिसाब से बनते हैं। इसमें जो एसेसरीज लगेंगे, रस्क बनाएंगे तो रस्क का ट्रे, 42 ट्रे का ओवन है, 3 गुना 126 पीस रस्क मोल्ड, सौ पीस मोल्ड का ढक्कन यानी मोल्ड लिड, इसको मोल्ड कवर भी बोलते हैं, 100 पीस। ब्रेड अगर बनाएंगे साथ में तो ब्रेड मोल्ड, ये भी 100 पीस। और मोल्ड लिड, मोल्ड का ढक्कन, ये भी 100 पीस। अब जैसे मान लीजिए पिज्जा बनाना है तो पिज्जा का रिंग लग जाएगा, कपकेक बनाना है तो कपकेक की कटोरी लग जाएगी। तो जैसे जैसे जो अपना प्रोडक्ट होता है वो एसेसरीज चेंज होते रहते हैं, मशीनें बेसिकली 3 यही रहे। अगर इससे भी हमको ऊपर प्रोडक्शन में जाना है, जैसे 400 केजी से 500 केजी पर 10 आवर प्रोडक्शन के लिए रस ब्रेड, इसमें भी वही सेम 3 मशीन, लेकिन कैपेसिटी बढ़ गया, क्या हो गया, स्पाइरल मिक्सर 50 केजी, ड्राई फ्लोर सूखी मैदा 80 केजी डो, एक ये मशीन। अब ध्यान से देखिए, 250 केजी पर 10 आवर प्रोडक्शन में 30 केजी का मिक्सर लगता था, 50 केजी डो बनता था। अब इसमें 400 से 500 केजी प्रोडक्शन में स्पाइरल मिक्सर 50 केजी सूखी मैदा 80 केजी डो, ओवन का साइज भी बढ़ जाएगा, रोटरी रैक ओवन 88 ट्रे का लगेगा, इसके साथ भी 4 ट्रॉली साथ में रहेगा। स्लो स्पीड स्लाइसर वही रहेगा, 400-500 केजी तक हमारा स्लो स्पीड स्लाइसर ही कटिंग कर देता है, तो स्लो स्पीड स्लाइसर सेम वही रहेगा। अब यहां पर एक बात जानना बहुत जरूरी है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि 250 केजी पर 10 आवर प्रोडक्शन के लिए नॉर्मल पाउच में ही पैकिंग करके माल को बाजार में निकाल दिया जाता था, लेकिन जब 400-500 केजी प्रोडक्शन हो जाता है तो अपना प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करना ठीक रहता है। ब्रांडिंग मीन्स अब पाउच में पैकेट बनाना बहुत जरूरी होता है, लेमिनेट पाउच में पैकेट बनाना जरूरी होता है। तो उसके लिए अब यहाँ
ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हाथ से कितना पैकिंग करें, मशीन लेना जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यहां पर दो तरह की मशीन होती है, एक मैनुअल फीडर, दूसरा ऑटो फीडर। जब हम मशीन के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से आगे वीडियो में, तो उस टाइम बताएंगे कि मैनुअल फीडर और ऑटो फीडर में क्या डिफरेंस होते हैं। पांचवा, एसेसरीज में अब क्या क्या लगेगा, वही रस का ट्रे, अब ये बढ़ गया 88 ट्रे का 3 गुना यानी 264 पीस। रस्क मोल्ड 200 पीस, मोल्ड लीड 200 पीस। जब ब्रेड बनाएंगे तो ब्रेड मोल्ड ये भी 200 पीस, मोल्ड लीड 200 पीस। अगर पाव बनाना है तो पाव का मोल्ड 100 पीस वो भी ले लीजिए। बस ये हमारा इतना सेटअप ये हो गया। उसके बाद प्रोडक्शन हमारा जो होता है और भी बढ़ जाता है, 800-900 केजी का, 1500-1600 केजी का, 2000 केजी का, इस तरह बढ़ते जाते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।